कोचिंग करने आए छात्राओं के साथ मनचले युवक ने किया मारपीट और छेड़खानी। बीच बचाव करने आए दो किशोर एक शिक्षक हुए घायल। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। खबर सिवान जिले से निकल के आ रही है, जहां सिवान जिले के पचरुकी थाना क्षेत्र के भवानी मोड़ स्थित एक कोचिंग संस्थान में आज जबरदस्त मारपीट हुआ है। वहीं लड़कियों के साथ मनचले युवक ने छेड़खानी जैसी घटना को अंजाम दिया है। पूरी घटना बताया जा रहा है कि पचरुकी थाना क्षेत्र के भवानी मोड़ स्थित ग्लोबल कोचिंग सेंटर पर 9वीं क्लास की छात्राएं रोजाना की तरह आज भी पढ़ने आई थी। वहीं कुछ महीनों से पचरुकी थाना क्षेत्र के नारायणपुर के कुछ युवक हमेशा कोचिंग के बाहर खड़े हो जाते थे। जैसे ही कोचिंग का छुट्टी होता था तो लड़कियों के साथ छेड़खानी करते थे, बोलबाजी करते थे। वहीं इस घटना के बाद लड़कियों ने अपने परिजन से सारी बात बताई थी, लेकिन परिवार के लोगों द्वारा इज्जत को लेकर कुछ बात को आगे नहीं बढ़ाया गया। वहीं आज जैसे ही कोचिंग पढ़ के छात्राओं जैसे बाहर निकली, तभी लड़कों द्वारा छेड़खानी करना शुरू कर दिया गया। वहीं एक ही कंधे पर हाथ भी रख दिया गया। वहीं इस मारपीट घटना को देखकर पढ़ने आए दो किशोर एवं शिक्षक जब बात छुड़ाने आए, तभी दो किशोर एक शिक्षक को मनचले युवकों द्वारा मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। वही तीनों को पचरुकी के सामुदायिक स्वास्थ्य में भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। वही इस घटना की जानकारी मिलते ही पचरुकी थाना अध्यक्ष घटनास्थल पहुंचकर निकू राम जो शिक्षक है उनको गिरफ्त में लेकर मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। पूरी घटना बताया जा रहा है कि ग्लोबल कोचिंग सेंटर जो है पचरुकी थाना क्षेत्र भवानी मोड़ पर स्थित है, जहाँ पे हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं। वहीं कुछ गांव के बगल के मनचले युवक हैं जो हमेशा आते थे और छेड़खानी इस घटना को अंजाम देते थे, लेकिन छात्राओं ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि जो कोचिंग के संचालक है विकास कुमार, वो भी इस घटना में संलिप्त हैं। वही संदर्भ में जिला अधिकारी से जब पत्रकारों ने बातचीत किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसे कोचिंग संस्थानों पर अवश्य कार्रवाई किया जाएगा। कि थाना क्षेत्र भवानी मोड़ पर ऐसी लड़कियों के साथ घटना घटा हुआ है, इसमें क्या कुछ कार्रवाई होता है यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जब पचरुकी थाना अध्यक्ष से बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर बताया कि मारपीट जैसी घटना को जानकारी मिली हुई है। निकू राम जो शिक्षक है उनको हम लोग पकड़ के लाए हुए हैं, उनसे बातचीत किया जा रहा है। जो भी लोग इस घटना में शामिल होंगे सबकी गिरफ्तारी होगी और जो भी कानूनी संगत कार्रवाई होती है कार्रवाई किया जाएगा।